नमस्कार दोस्तों, भारत योगी पर आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और दोस्तों यदि स्वास्थ्य खराब है तो हमारी वीडियो को देखिए और स्वास्थ्य को सुधारिए। दोस्तों आज मैं आपको पानी पीने के बिल्कुल साधारण से नियम है वो बताने वाला हूँ। यकीन मानिए यदि आप इन नियमों को जान लेंगे, इन तरीकों को जान लेंगे पानी पीने के बारे में, तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं, साथ ही अपने शुभ चिंतकों का, अपने परिवार वालों का जीवन आप बदल सकते हैं। आप मोटे हैं तब भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, आपका वजन जरूर घटेगा और आपकी जीवनचर्या बदलनी जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बस आपको इतना करना है, जो आप यहाँ पर लाल अक्षरों में देख रहे हैं सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ये वीडियो के नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद में ये जो आया हुआ है घंटी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे नई तो आपको तुरंत मिल जाएगी, उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों हमेशा जब भी पानी पिए तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पिए। जैसे कि मान लीजिए यदि जो व्यक्ति मोटे हैं वो अपना वजन घटाना चाहते हैं तो गर्म पानी पिए तो बिल्कुल थोड़ा सिप सिप करके पिए। एक गिलास गर्म पानी कीजिए और उसको कम से कम 20 मिनट में ख़त्म कीजिए, इससे आपका वजन जरूर से भी जरूर कम होगा। अब दोस्तों आप एक तांबे का जग ले आइए और उसमें रात को पानी भर के रख दीजिए और रोज सुबह 2 गिलास उससे पानी पीजिए। अब पीने का तरीका क्या है, सुबह आप बिना कुल्ला करें, सुबह जो बासी मुंह होता है, अंदर जो थूक होता है, जो बासी होता है, उसको कभी कुल्ले के साथ में बाहर नहीं फेंकना चाहिए। वो इतना बढ़िया राल होती है, यदि आप उसको पानी के साथ में पेट के अंदर ले जाएंगे तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके अंदर काफ़ी सारे औषधीय गुण होते हैं, इस पर मैं कभी विशेष रूप से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें कैसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके, आपके जो बासी राल होती है उसके क्या क्या फ़ायदा होते हैं। दोस्तों सुबह वो जो आपने रात को तांबे का जग भर के धरा है पानी का, सुबह उसमें से 2 गिलास पानी आप रोज सुबह पीजिए। पीने के लिए आपको नीचे ज़मीन पर उकड़ू बैठना है। उकड़ू बैठना किसको बोलते हैं, काफ़ी व्यक्ति पूछते रहते हैं कि उकड़ू बैठना क्या होता है। देखिए दोनों घुटने मोड़कर नीचे की तरफ जमीन पर बैठ जाते हैं, उसको उकड़ू बैठना बोलते हैं। यदि नहीं आपको समझ में आया तो ये देखिए जो नीचे मैंने तस्वीर दी हुई है ये बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं उकड़ू बैठना। तो इस पोजीशन में बैठकर हमेशा पानी पीजिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो मोटा हूँ या मोटी हूँ तो मैं कैसे बैठ पाऊंगी। जरूरी नहीं कि आपको इसमें बैठकर दोनों गिलास पानी पीने हैं। आप शुरू में लगा लीजिए 1 मिनट बैठ पाते हैं या 20 सेकंड बैठ पाते हैं, जितनी देर बैठ पाते हैं बैठें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप खाना खाएं तो इसी पोजीशन में बैठ कर ही खाना खाएं। ऐसा खाना खाने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो जो मोटे व्यक्ति हैं वो मतलब कि ज़्यादा खाते हैं और वो कम खाएंगे ऐसा बैठने से, जितना खाएंगे उतना ही उनका खाना अच्छे से पचेगा और जिससे वजन कम करने में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों पहला नियम तो ये होगा कि आपको तांबे के जग का पानी पीना है और वो भी सिप सिप करके पीना, थोड़ा थोड़ा करके पीना है, और 2 गिलास पानी आपको रोज पीना है उकड़ू बैठकर। अब इसके बाद में आप जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने से लगभग 1 घंटा पहले या फिर 40 मिनट पहले आपको पानी पी लेना चाहिए, और खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी मत पीजिए, क्योंकि वो आपके शरीर में जो भोजन गया है उसको सड़ाएगा, पचाएगा नहीं। तो सड़ने के बाद में आप वो खट्टी डगारे आएंगे, आपके पेट में गैस बनेगी, पेट दर्द होगा, जी मचलाएगा, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। खाना खाते हुए पानी नहीं पीना चाहिए, ना खाने के तुरंत बाद पीना चाहिए। हमेशा पानी खाना खाने के कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटे बाद, या फिर वैसे अच्छा तो ये रहता है कि 1 घंटे बाद आप पानी पिए तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल गर्मियाँ खूब जोरों से चल रही हैं, तो इन गर्मियों में आपको 8 गिलास पानी तो आपको पी लेना चाहिए, 8 से 10 गिलास, बल्कि हर 1 घंटे बाद आपको 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी पी लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। पानी की मात्रा आपके शरीर में कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप बाहर काम करते हैं और पसीना खूब आता है तो पानी की मात्रा आप शरीर में बिल्कुल भी कम मत होने दीजिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इससे आपका शरीर का टेम्परेचर यदि अंदर से बढ़ जाता है तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है और लोगों की लू लगने से मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए खूब सारा पानी खूब दबा के आपको पीना ही चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि सुबह जब पिए तो ताज़ा मुंह, जो बासी मुंह होता है वो उस समय पानी पीजिए, कुल्ला मत कीजिए, जो बासी राल होती है पेट में जाए। फिर खाना खाने से कम आधा घंटे पहले आपको पानी पी लेना चाहिए या फिर 1 घंटे पहले, और खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए,
ठीक है दोस्तों, और दिन में आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल छोटे से तरीके थे जो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। ये भाग एक है, भाग दो भी मैं बनाने वाला हूँ, उसको भी आप जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी तक नहीं किया। तो दोस्तों आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।